जी आज MDU का दौरा है तो एक मेरी बहन बैठी है MSc केमिस्ट्री से, उससे हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आपको, वो तो कर ही रही है, हम पूछ लेते हैं। राम राम बाबू। राम राम सर। क्या नाम है बहन? रजनी। रजनी MSc केमिस्ट्री। हाँ जी। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। BSc यहीं से की थी? नहीं, करनाल से। करनाल से की थी। MSc केमिस्ट्री क्यों कर रहे हो और औरों को क्यों करनी चाहिए? MSc केमिस्ट्री मेरा एक तो खुद का इंटरेस्ट था। ओके ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है कि जो पूरी मतलब पूरी साइंस को कंटेन की हुई है, ठीक है। और केमिस्ट्री में ये है कि हम जैसे कि मेडिकल साइंस ले लो आप या साइंटिस्ट वाली लाइन ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें हमारी केमिस्ट्री मेनली यूज़ होती है, इसलिए हम बस केमिस्ट्री प्रोसीड कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर तो देखो, सिर्फ एक लेक्चरर नहीं, लेक्चरर नहीं, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, बार्क में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, और मतलब हम मतलब ये कर सकते हैं कि फ़ौरन जाके PhD करके तो अपना कुछ एक अपनी मतलब इन्वेंशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर सेल है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी अपने देश में, जैसे कि कुछ जैसे इतना कूड़ा करकट हुआ हुआ है तो कूड़े करकट को मतलब खत्म करने के लिए कुछ नई इन्वेंशन, जैसे हम उसमें जैसे फर्टिलाइजर यूटिलाइज हो सके, जैसे खाद वगैरह बना सके या कुछ भी, जैसे हमारे देश के किसानों को भी फायदा हो इससे, मतलब हम ये ऐसा कर सकते हैं। बट हमारे इंडिया में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम इससे कुछ, बस वही चल रहा है जो नकल चेपा जो पहले हो चुका है उसको चेप देते हैं दोबारा, बस वही चीज़ चल रही है। हाँ, वो मॉडल दिल्ली से मिल जाते होंगे और वो हाँ। लाके दिखा देते होंगे। नहीं नहीं, मतलब PhD में भी क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट इंडिया में कॉपी पेस्ट हो रहा है, इनोवेटिव नहीं हो रहा। नहीं, इनोवेटिव नहीं है। तो मोदी सरकार आने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ? मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेसिंग है। नेशनल लेवल पे जो हमारी जो स्टडी होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, वो स्टडी यहाँ पे नहीं मिल पा रही। MDU में नहीं है, इंडिया में ऐसा है? इंडिया में भी ऐसा ही है। MDU में क्या, पूरे उसमें ही चल रहा है। अगर अब क्या नहीं तो इतना हो ही नहीं रहा कि। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि कुछ इनोवेटिव आइडिया, जैसे कि हम सब बच्चों के एक मतलब एक पूरी आइडिया तो आपके दिमाग में पैदा होना चाहिए ना। हाँ, काउंसलिंग क्या करेगी, मतलब आइडिया, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुद से जैसे कि कुछ भी एक प्रैक्टिकल लेवल पे, जैसे हमारे MSc में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो मतलब जो रूटीन में जो चल रहा है एरिया उसके ऊपर हम उस पर फील्ड वर्क करें, मैं ये चाहती हूँ। अब ये रटा रटा आया जैसे कि पोटेंशियोमीटर PH मीटर, वो हम सदियों से करते आ रहे हैं, मतलब हमारे को 7 साल हो गए करते हुए, नया नहीं है। हाँ, ये चीज है। तो अभी आप हॉस्टल में रह रहे हैं? हाँ, हॉस्टल में रह रहे हैं। मैं करना MDU हॉस्टल कैसी लाइफ है? MDU हॉस्टल सही है, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है, हॉस्टल का तो अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टडी के अलावा जैसे कि हम जो कर रहे हैं कॉलेज का ठीक है। सेफ है लड़कियाँ यहाँ पर, अगर बाहर से आए पढ़े यहाँ पे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीजिंग नहीं है? नहीं, सब बढ़िया माहौल है। हाँ देखो, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होता है थोड़ा बहुत तो कुछ चलता ही है, बाकी वैसे सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग वैसे चल ही रहा है, ठीक है। मतलब अब जैसे नाइट में आओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वैसे कुछ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर नाइट में घूमने में तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होती है कहीं पर? हम खुद से बाहर नहीं आते क्योंकि ड्रिंक पर्सन भी हैं यहाँ पे, हर तरह का बंदा आता है, बाहर से भी आते हैं लोग अपनी गाड़ियाँ अच्छा, लेके अच्छा। वैसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है MDU प्रशासन ने, लेकिन ठीक है, लेकिन अपनी सेफ्टी, हाँ कैमरे लगे हुए हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये लाइब्रेरी के पीछे वाला एरिया देखोगे वहाँ पे लाइटिंग का नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ लाइटिंग के लिए, लाइट नहीं है वहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था। लाइटिंग के लिए बोल चुकी हूँ मैंने, एप्लीकेशन भी लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इस रोड पे भी लगे हैं, उस रोड पे भी लगे हुए हैं। आप किसी और यहाँ पर पढ़ाई के साथ कुछ और भी वर्क से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं किसी और वर्क जैसे से नहीं, ABVP है, नहीं ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल। आवाज़ से तो बड़ी कड़क है भाई, ऐसे ही लग रहा है भाई कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़ी हुई। नहीं। अच्छा, और क्या कुछ होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ जैसे कि हम MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हमारे हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग हमारी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो क्या MDU प्लेसमेंट नहीं करवाता? MDU MSc केमिस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं होती ना, जैसे कि अब सिप्ला कंपनीज हैं, जैसे कि दवाइयों की कंपनी है या कुछ भी इस टाइप से, वो नहीं आ रहा। मतलब इस टाइप से हमारी खुद की एक अपने फील्ड में प्लेसमेंट होनी चाहिए। MSc करके चले जाएंगे वही नेट गेट लगे पड़े हैं, नेट भी हो जाएगा तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही हम 12,000 15,000 20,000 की नौकरी, बस के बाद भी कोई शोर नहीं है। जॉब लगी क्योंकि हर साल वैकेंसी नहीं निकलती, हर साल लेक्चरर की कौन वैकेंसी निकाल देगा, वो जो MSc नेट की हो है, फिर कहते हैं कि अब PhD भी कंपलसरी कर दी है, तो मतलब हम तो सिर्फ पढ़ने पढ़ने में रह गए ना, बुढ़ापा ही आ जाएगा। अब हम, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पेरेंट्स भी अब पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो देना है रिवर्स में, फिर लड़कियाँ हैं उनके पास शादियाँ भी हो जानी है, तो वो तो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ की सच्चाई है, इसे कोई कड़वी सच्चाई माने या कैसे भी हजम करें, लेकिन सच्चाई है। इतनी पढ़ाई करते रहो लेकिन एक शादी की भी उम्र होती है, उसके बाद फिर शादी भी करनी। क्या वो लड़की पढ़ाई शादी करने के लिए कर रही थी? क्या उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है? मेरे को कई बार दुख होता है ऐसी बातों का। अच्छा बहन, लड़कियों को इस फील्ड में केमिस्ट्री में MSc करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए।
क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चे कम जाते हैं और थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर। फ्यूचर अच्छा बनाता है क्योंकि वैसे अगर मेहनत तो देखो करनी पड़ती है हर एक उसमें, बट केमिस्ट्री मुझे लगता है कि सही है लड़कियों के लिए। हाँ सही, ठीक है बहन, धन्यवाद भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी बात और बड़े सीधे तरीके से सिंपल बात उसने कही। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद भाई, राम राम।